वेलकम टू माय चैनल पिजन मास्टर क्लब। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक और लॉफ्ट का शौक करवाने आया हूँ। ये हमारे आरसपुर में ही है, तो ये देख सकते हो इनका सेटअप अच्छा शौक करते हैं, तो अच्छे टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं, तो विनर भी रहे हैं ये हमारे पिछले सीजन के टूर्नामेंट में। तो चलिए दोस्तों, जो इस केज का ऑनर है हम आपको उनके साथ भी मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस केज के जो ऑनर है उनसे भी मिलाते हैं और साथ ही में इसके भाई बैठे हैं, ये रल मिल के शौक करते हैं। इनके जो उस्ताद हैं वो रिंकू भाई जी हैं, तो ये उन्हीं के शागिर्द हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनके साथ भी मिलाता हूँ। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी, आपको कितने देर हो गया कबूतरबाजी करते हैं? अभी यह तकरीबन बचपन से शौक था, अभी कम से कम 6-7 साल हो गए करते हैं, अभी तक चलेगा। भाई जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपको कितने देर हो गया कबूतरबाजी करते? सर मुझे बचपन में शौक था, ऐसे मुझे 15 साल हो गए कबूतर रखे हुए। जी जी हाँ सर। तो ये आप भी कोई शौक था या आपके जो फादर साहब थे? मेरे फादर साहब को शौक था, ये देखते देखते मुझे भी शौक पड़ गया। जी जी। तो बाजी वगैरह भी लगाई हैं आप, खेलते हो जो आरसपुरा में होती है? हाँ सर। तो कितनी है टूर्नामेंट्स आपने इधर लगाई और क्या? सर मेरे टूर्नामेंट 2 लगे हैं, 2 ही मैंने विन की हैं, अभी भी 2 शर्त हैं मेरी। तो पिछले सीजन में आपने टूर्नामेंट्स लगाई थी? हाँ, विन की थी वो। अच्छा, आप विनर रहे थे उसमें। तो दोस्तों, हमारे आरसपुरा में टूर्नामेंट्स होती रहती है, तो उन्हीं में इन्होंने एक हिस्सा लिया था जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया था। तो काफ़ी अच्छी इधर आरसपुरा में बाजियाँ वगैरह होती हैं। तो दोस्तों, आपको बाजियों का भी हम व्यूज़ दिखाते रहेंगे अब, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनके जो ब्रीडर कबूतर है उसका भी शौक करवाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इसकी आज क्लोजअप देख सकते हो, जिनका ब्रीडर नर है, तो इसके बच्चे इन्होंने शाम शाम तक उड़ाए हैं, तो इस नर को भी इन्होंने फिर उड़ाने के लिए इन्होंने तैयार किया होगा। तो भाई जी, इसके पर भी दिखाएं, ये देखिए दोस्तों, इसके पर देखिए, पर कितने अच्छे पर हैं, चौड़ाई देखिए परों की। भाई जी, दूसरे सर का भी पर दिखाएं, टेल का भी शौक है भाई। ये देखिए दोस्तों, उसकी टेल कितनी बैलेंस टेल है जी, इसके पंजों में शौक है भाई। दोस्तों देख सकते हो कितने खुशक पंजे हैं जी इसके। ये देख सकते हैं इसकी चाल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनका सेकंड ब्रीडर कबूतर का भी शौक करवाता हूँ। तो भाई जी से पूछते हैं कि ये कबूतर उन्होंने कहाँ से लाया, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत कबूतर इनके हाथ में। तो भाई जी, आप इस कबूतर के बारे में बताएं जो आपके हाथ में है। सर जिन्हें मैंने ना पकड़ा हुआ है सर ये कबूतर। हाँ जी, ठीक है सर, देख सकते हो आप। तो आपने इसको उड़ाया? नहीं सर, इसको नहीं उड़ाया अभी। तो आपने बच्चे वगैरह उड़ाए इसके? हाँ, बच्चे वगैरह उड़वाए मैंने। तो क्या टाइमिंग देते हैं इसके बच्चे? सर इसके बच्चे 4-4 बजे उड़ता रहे हैं, मैंने इनके बच्चों का भी शौक करवा सकता हूँ मैं, इसकी मादी का भी शौक करवाऊँगा मैं जिनर है। दोस्तों जिसकी आज क्लोज अप देख सकते हो, डार्क मैली आँख है, पर इसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परवाज देते हैं इसके बच्चे, इस नर के। तो 3-3, 4-4 बजे तक इसके बच्चे उतारे भी हैं इन्होंने। भाई इसके परों का भी शौक करवाए। तो दोस्तों, आज के टाइम ऐसे कबूतर जिसको सफ़ेद दुम के कबूतर कहते थे, चप कबूतर पुराने, ये उन्हीं से ही हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छे पर हैं इसके। भाई दूसरे साइड का भी बताएं पर, ये देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने ये ब्रीडिंग में रखा हुआ है इसलिए इसको कैंच में रखा,
बस इसकी टेल का भी शौक करवाए। तो पंजे का शौक रहे दोस्तों, ये देख सकते हो उसके पंजे कितने खुश्क पंजे हैं जी। इसको छोड़ के भी बताते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी चाल है सुंदर की। जिन्होंने जब पकड़ा था उसको स्टैम्पे मेरा वगैरह लगी हुई थी और रंग भी लगे थे सुनर को, तो बहुत ही अच्छा कबूतर है, नया कबूतर है जी। हम इसकी मादीन का भी शौक करवाते हैं, तो चलिए दोस्तों जो नर की मादीन है उसका भी शौक करवाते हैं। तो भाई जी से पूछते हैं इन्होंने मादीन कहाँ से लाई है। तो भाई जी ये मादीन कहाँ से लाई है आपने? सर मैंने पकड़ी हुई है सर जी। जब भी पकड़ी है मादीन? मेरे भाई ने पकड़ी थी सर जी। तो इसकी आज क्लोजअप दिखाओ ना, देखिए दोस्तों इसकी आज क्लोजअप बहुत ही प्यारी आंख है इसकी, चमक देखी आंखों की। भाई इसके परों का भी शौक करवाए दोस्तों, देख सकते हो इसके पहले बार के तीन पर। ये इनके पुराने कबूतर हैं, इन्होंने ये ब्रीडिंग में डाले हैं। तो भाई इसके टेल का शौक करवाए, इसके पर वगैरह थोड़े से ख़राब है, क्लीच में शायद पड़े हैं इस कबूतर आपके ना। ये दोस्तों इसके पर दुम देख सकते हो, इसके पंजों का भी शौक करवाता हूँ। ये देख सकते हो भाई जी दोस्तों इसके पंजे, ये है इसका पेयर, देखिए कितना प्यारा पेयर है। तो इसके बच्चे हैं जो शाम शाम तक इन्होंने ये उड़ाया है। इसका मैं आपको एक इसका एक मादीन निकली हुई है जोल से, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ छोड़ के जहाँ पे। तो सेम ही ऐसे ही पट्टी निकाली है, तो इन्होंने वो पट्टी को उड़ा के भी चेक किया हुआ है दोस्तों। ये इस जोड़े की पट्टी है, देख सकते हो कितनी प्यारी पट्टी है, जी इन्होंने उड़ा के चेक की हुई है इस पट्टी को। तो शाम शाम तक इन्होंने ये पट्टी उड़ाई हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इन्हीं के पार्टी के बंदे हैं जी, तो इनका जो उस्ताद है रिंकू जी है, तो उन्हीं की ये मेंबर है। तो ये इकट्ठे ही इनके सारे दोस्त रल के ये शौक करते हैं। तो इनके हाथ में बहुत अच्छा कबूतर है जी। तो चलिए इनको पूछते हैं कि ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है और कितनी देर हो गया इस कबूतर को रखे हुए। तो बहुत ही प्यारा कबूतर है, पुरानी नस्ल का कबूतर है। तो भाई जी ये आपके हाथ में कौन सी ब्रीड का कबूतर है? जी सियारकोटी बटेरा कबूतर है जी, काफ़ी पुराना कबूतर है ये, काफ़ी देर से इनके पास है। देखिए बच्चे भी खूब उड़े हैं इसके, प्योर कबूतर है ये, 7-8 साल पुराना कबूतर है ये। तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना कबूतर है इनका, तो एज हो गई है इस टाइम कबूतर की। तो ये काफ़ी अच्छे बच्चे उड़ाए हैं इस कबूतर ने। तो भाई इसको छोड़ के बताइए, ये देख सकते हो इसकी चाल, देखिए कितना परफेक्ट, कितनी बॉडी परफेक्ट है इस नर की अभी भी। तो ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर ये बटेरों में से, तो अच्छा कबूतर है ये। तो चलिए दोस्तों एक और ब्रीडर नर का शो करवाते हैं। तो भाई जी ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है जी? ये भी हमारे पास काफ़ी देर का कबूतर है, ये भी किसी से लिया था हमने कबूतर, अच्छा था उन्होंने से लिया, ये भी काफ़ी ऐसे बच्चे उड़ाता। तो इसको क्रॉस में से ही है उड़ाया इस नर को? नहीं नहीं, ये नहीं उड़ाया हमने, बच्चे उड़ाए हैं इसके, काफ़ी उड़े हैं बच्चे इसके दोस्तों। ये देख सकते हो इसकी आज क्लोजअप देखिए, कितना प्यारा नूर है इसका, कितना छोटा तिल है इसका, एक क्रॉस है कबूतर है, दूसरे में से क्रॉस लगा लो या गोल्डन में से लगा लो, जोसी तो पुराने जोसी कबूतर है कबूतर है। इसके परों का भी शौक रहा है, बड़े अच्छे बच्चे उड़ाए हैं इसने।
काफ़ी कुछ किया। देख सकते दोस्तों इसकी चाल लड़की, ये इनका पुराना कबूतर है, काफ़ी पुराना कबूतर है ये। इसके बच्चे भी बहुत उड़ाए हैं इन्होंने, जिनके सीनियर कबूतर हैं सभी इन्होंने संभाल के रखे हैं। इनके ही बच्चे आगे ये बाजियों में उड़ाते हैं, तो काफ़ी बाजियाँ इन्होंने लगाई हैं। तो पहले इनके फादर साहब करते थे, उनको भी 40 साल हो गए थे कबूतरबाजी में। तो उन्होंने ये भाई कबूतरबाजी ये फादर साहब उन्होंने छोड़ दिया, अभी उनके बेटे ही करते हैं, तो उनको भी 14-15 साल हो गया अभी कबूतरबाजी में। तो वो ही अभी इसके संभाल करते हैं। तो ये हर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, पिछली टूर्नामेंट में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें ये फर्स्ट आए थे। ये सेकंड में आए थे, दो बार फर्स्ट आए, फिर दो बार फर्स्ट आए, और मतलब कि दोनों टूर्नामेंट भी निकली हुई है 2020 और 2021। अच्छा अच्छा, तो जब पिछली बार जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें फर्स्ट पोजीशन में आए थे, फर्स्ट पोजीशन में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनके ये टैडी पेयर है उसका भी शौक करवाता हूँ। तो पूछते हैं इनको, ये कहाँ से लाए इन्होंने ये टैडी पेयर? तो बहुत ही खूबसूरत पेयर है ये टैडी कबूतर, देख सकते हो इसका कलर। तो भाई जी, ये कहाँ से लाया आपने टैडी मादीन? जी हमने पकड़ी इस साल। अच्छा, इस साल पकड़ी है आपने? तूफान में आई थी। तो दोस्तों ये देख सकते हो इसकी आई क्लोजअप, काफ़ी अच्छी आईज है इसकी मादीन की, पर भी देख लिए इसने ब्रीडिंग में डाला हुआ है इस मादीन को। तो ये देख सकते हो टेल, नहीं पंजों का शौक रहना अच्छा दिखाई दे, देख सकते हो दोस्तों इसके पंजे कितने अच्छे पंजे हैं इसके। छोड़ के बताना इस मादीन को, देखिए दोस्तों उसको अभी मादीन को जस्ट पकड़ा ही है, तो कैसे ये बुरा मान रही है, अभी करो वो साफ करी। तो ये मादीन है, इसी के साथ ये नर लगाया, तो ये भी नर पकड़ा ही है। हाँ ये पकड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हो इसकी आज क्लोजअप, ये प्यारी आँख है, देख सकते हो ये उड़ाया भी हुआ हमने, सज्जा उड़ाया भी है। काफी अच्छे पारस नर के, काफ़ी अच्छा कबूतर है। तो छोड़ के बताइए इसकी चाल वगैरह, ये देख सकते हो दोस्तों इसकी खदान देखिए, की कितनी अच्छी खदान है। तो दोस्तों ये देख सकते हो कितना प्यारा नर है, कमंगर नर है ये, काफ़ी पुराना कबूतर इनका। तो ये इसके बच्चे इन्होंने बाजियों में भी ये उड़ाते हैं इसके बच्चे, ये देख सकते हैं इसकी आज क्लोजअप। इसके परों का भी शो करवाए, ये देख सकते हो दोस्तों उसके पंजे खुश्क पंजे हैं जामनी, काफ़ी अच्छे पंजे हैं उसके भी। तो ये बीमारी में थोड़ी सी को टेट चली गई थी, इनके पास थोड़ी बीमारी आई थी, तो बीमारी के कारण
कुछ कबूतर के थोड़े टेढ़े हो गए थे, इन्होंने फिर भी संभाल कर रखा हुआ है। तो अभी ये बच्चे ब्रीडिंग करता है ये नर, तो काफ़ी अच्छे बच्चे उड़ाता है ये नर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और ब्रीडर नर का शो करवाता हूँ। उनके पास बहुत अच्छा नर है ये गोल्डन, तो ये देख सकते हो उसकी आईज क्लोजअप, तो काफ़ी अच्छी इसकी आईज है। नूर देखिए आँख का कितना बारीक है। तो ये बहुत अच्छे प्रवास में माने जाते हैं ऐसे कबूतर, काफ़ी बुलंदी में उड़ते हैं ऐसे वाले ब्रीड वाले कबूतर। भाई इसके परों का भी शो करवाए दोस्तों, ये देख सकते हो इसके पर कितने अच्छे पर हैं इसके। इन्होंने इसको भी ब्रीडिंग में डाला, तो ये इनके पुराने कबूतर हैं जी सभी, जिसका हम शो करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा कबूतर है पुराना गोल्डन कमांगर। इसके पंजों का भी शो करवाए, कितने खुश पंजे जी। कैसे लगे दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इनके ये पुराने कबूतर हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं ये इनके कबूतर। इनके बच्चे उड़ाए हुए हैं इन्होंने, शाम शाम तक जिन्हें बच्चे उतारे हैं। ये देख सकते हो कितने अच्छे कबूतर हैं, बाकी इन्होंने कबूतर की परपटाई की हुई है। तो ये देख सकते हो, तो दोस्तों जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे से ब्रीडर कबूतर का शो करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।